इस वीडियो में हम यूज कर रहे हैं चार बेस और चार टॉप। पोप के LD18V है चार बेस चार टॉप जो कि डायनाटेक के हैं। तो इस वीडियो को बनाने के टाइम में काफी सारे दिक्कतें आई, तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि मैं और भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए इस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता ही रहूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के टाइम में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से चेकिंग के टाइम हमें रात में इसको शूट करना पड़ा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक डीजे सेटअप है जिसमें चार बेस और चार टॉप है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चार एम्पलीफायर लिया हुआ है, जिनमें से हम दो को यूज करने वाले हैं बेस के लिए और दो को यूज करने वाले हैं टॉप के लिए। और यहाँ पे हमने रेडी किया हुआ है हमारा सेटअप, और हम इसके साथ यूज करने वाले हैं एक क्रॉसओवर जो कि DBX का एक क्रॉसओवर है। और यहाँ पे जो पहले दो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं वो है आपका टॉप चलाने के लिए, और नीचे में जो दो पोप के एम्पलीफायर देख रहे हैं उसमें हम चलाने वाले हैं बेस। यहाँ पे जो पोप का एक 7202 है वो परफेक्टली मैच नहीं है बेस के साथ। इस वीडियो में सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वाला एम्प यूज किया है। पहले हम जान लेते हैं इसका सेटिंग के बारे में। पहले हमें इनपुट का गेन को 0 dB में रखना है। बेस के लिए हम फ्रिक्वेंसी चूज कर लेते हैं, अगर हम डीजे के लिए यूज करते हैं तो मैक्सिमम 120 से लेकर 140 तक सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लो का आउटपुट उसको 0 dB में रखते हैं और हाइज का आउटपुट को भी 0 dB में रखते हैं। सेम आपका दूसरा चैनल में भी आपको सेट करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट इन इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं प्लेयर के साथ मिक्सर को। हमने यहां से प्लेयर से एक आउटपुट लिया और मिक्सर के चैनल 1 में इनपुट कर दिया, और दूसरा प्लेयर को भी मिक्सर के चैनल 3 में कनेक्ट कर दिया। अब ये तीनों कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर आपके पास प्लेयर नहीं है तो आप लैपटॉप को भी अपने मिक्सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिक्सर में से आउटपुट ले लेते हैं। यहां से हमने मास्टर से RCA के थ्रू आउटपुट ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया हमारे क्रॉसओवर के चैनल 1 इनपुट में और चैनल 2 इनपुट में। अब हमें लो के लिए आउटपुट निकालना है। क्रॉसओवर के लो आउटपुट में से हमने दोनों चैनल में से दो आउटपुट निकाल लिए और उसको कनेक्ट कर दिया हम यूज करने वाले हैं जो बेस के लिए एम्पलीफायर उसके चैनल 1 में और चैनल 2 में। अब हमें उस एम्पलीफायर के डायरेक्ट आउटपुट से दो आउटपुट निकाल लेना होगा और कनेक्ट कर देना होगा हमारे दूसरे एम्पलीफायर के चैनल 1 इनपुट और चैनल 2 इनपुट। ये दोनों डेजी चेन हो गए, मतलब जो दो आउटपुट निकल के आए थे क्रॉसओवर के लो आउटपुट में से वो इन दोनों एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हमें हमारे टॉप एम्पलीफायर के लिए आउटपुट निकालना होगा। जैसे कि हम इस क्रॉसओवर को फिलहाल टू वे मोड में यूज कर रहे हैं, तो हमने हाइज में से आउटपुट ले लिया और दूसरा चैनल में से भी हमें आउटपुट ले लेना होगा। अब जो पहला टॉप के लिए एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं उससे डायरेक्ट आउटपुट निकाल के दूसरा एम्पलीफायर में डेजी चेन कर देंगे। तो यहां से हमने आउटपुट निकाल लिया और दूसरा एम्पलीफायर में इनपुट कर दिया। अब हमें स्पीकर कनेक्टर्स को कनेक्ट करना है अपने टॉप और बेस के साथ।
ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं ये टॉप जो है वो डायनेटिक कंपनी के हैं और बेस जो हम यूज कर रहे हैं वो पोप के हैं। अब हमने बेस के लिए आउटपुट ले लिया पहले एम्पलीफायर के चैनल वन में से और चैनल टू में से और दूसरे एम्पलीफायर के चैनल वन में से और चैनल टू में से। तो ये हमारे चारों बेस के लिए हमारा आउटपुट हमें मिल गया। अब हमें इनको कनेक्ट कर देना होगा हमारे चारों बेस के साथ। अब हमें हमारे टॉप के लिए टॉप एम्पलीफायर में से आउटपुट निकाल लेना होगा। हमने पहले एम्पलीफायर से आउटपुट ले लिया और दूसरे एम्पलीफायर में से भी वन एंड टू में से ले लिया। अब हमें इनको कनेक्ट कर देना होगा हमारे टॉप के साथ। ये जो वायरिंग हमने किया ये टू वे मोड में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेटअप के साथ कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डाल के थ्री वे मोड में इसको कनेक्ट करके देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरह का आउटपुट देता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं फुल डीजे सेटअप में थ्री वे मोड कनेक्शन में आप इसको कैसे चलाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।